मैं नदर ब्लॉक। तो गाइस मैं आ चुका हूँ, आज लालगंज आया हूँ। और गाइस देखिए वहाँ से पीछे का मैहर जाने का रास्ता और रीवा, और जो कि देखिए पीछे कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। देखिए इतना हाईवे है, इधर भी देखिए गाइस। और वहाँ पे जो साधनी दिखाई दे रहा होगा ना, वही अच्छी लग रही है, अच्छा आ रहा है यार। वाह क्या क्या सीन, ये जो बीच का यहाँ वाह यार, कैसे जा रहे थे यार, वाह क्या मस्त मस्त यार, गाइस बढ़िया आ रहा है। देखिए ये है गाइस, देखिए इस तरफ एक ट्रक आ रहा है साला। अरे बाप रे, इतना हवा, एकदम हवा खतरनाक दे रहा है। वो गया फूल लगाए हुए हैं, और देखिए क्या क्या मस्त व्यू आ रहा है गाइस। देखिए वाओ क्या खूबसूरत, और देखिए गिट्टी उखड़ जा रही है गिट्टी ट्रक के चलने की वजह से। और ये देखिए वाह क्या खतरनाक, इसको टच करके दिखाऊंगा गाइस। देखिए इसको टच कर रहा हूँ, वाह कोई आए ना दबा के चला जाए। देखिए यो क्या बात है, यहाँ पे देखिए ये वाला अलग है, वो वाला अलग, देखिए उसमें अंतर, उसमें अंतर, दोनों में अंतर है। ये वाली गिट्टी दिखाई दे रही, वो गिट्टी हल्का दिखाई नहीं दे रही। देखिए वो कार आ रही है, ये वहाँ देखिए ये लालगंज का व्यू है। देखिए अब ये एक मोटर टाटा का एक मोटर मतलब कंपनी तैयार हो रही है। और यहाँ पे तिलक है, यहीं पे मैं आया हूँ, सोचा मैं आप लोग को क्यों ना ये दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए ये मैहर जाने का रास्ता और रीवा दोनों का यही रास्ता है। वाह यार, बस बहुत कम लोग रहते हैं। और ये रहा एक कंपनी, और यहाँ पे ये रहा एक डॉक्टरी, और पीछे पानी पीने का साधन भी है। तो देखिए गाइस ट्रक आ रही, वाह मतलब ट्रक आने से हमारे हवा जा रही। देखिए या नाव भी है, नाव बाल बना रहे बाल, मस्त मस्त व्यू है। देखिए इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल है क्या गाइस। ये रहा अग्रजा ऑटोमोबाइल सेल्स। ये देखिए सूर्य की रोशनी, देखिए वाह क्या गजब की सीन है गाइस। इसके देखिए रेजकारी और हनुमाना और रजाई सेमरी, वाह सेमरी। दोस्तों ये देखो कितनी बड़ी बड़ी तालाब है यार, और कमल का फूल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, छोटे छोटे कमल का फूल है, बहुत छोटे हैं अभी, और मस्त है सकते हैं आप लोग कमल का फूल। देखिए छोटे छोटे, लेकिन आप बहुत बड़ा तालाब है ना। देखिए देखिए आप लोग को भी पूरा दिखाते हैं, देखिए यहाँ से इस तरफ से लेके पूरा यहाँ तक गाइस बहुत बड़ा। देखिए देखिए क्या सुंदर सुंदर हैं, और इस तरफ देखिए पूरे यहाँ शांति बहुत है यार गाइस, मतलब पूरा एकदम कुछ ना कुछ कोई सामान भी नहीं है। वाह यार क्या बात है, क्या नज़ारा है। और थ्रेसरिंग हो रहा है यार वहाँ, देखो वही वहाँ पे धूल थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। दोस्तों हमारे पास यार इसका हवा कोहरा है, जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एक बिस्ट हुए, तो जिसको चाहिए हमको बताइए और ले जाइए गाइस, प्लीज़ 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 प्लीज़। एक शूज था यार, देखो कितना बढ़िया, एकदम क्वालिटी एकदम बढ़िया था इसके, पर इसका देखिए ये मूस खा गया इसका, और बहुत ख़तरनाक हो गया। देखिए कितना बढ़िया जूस सूख जाया था, अच्छा लग रहा था, लेकिन खा लिया तो क्या कर सकते हैं, ख़राब कर दिया। मूस चूहा बहुत ख़तरनाक है हमारे यहाँ, यही देखिए यही मसक दिया ये वाला। ज़्यादा धूप लग रही है, देखिए वो हमारी शकुंतला है, वो हमारे शकुंतला का बच्चा, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। देखिए कितना क्लीन आ रहा है यार, वाह क्या व्यू है। आपको मैं सूरज दिखाता हूँ, सूरज सन, अरे सन इज वे, देखिए कितना मस्त लाइट आ रहा है। यो या ये कहाँ गया या कितना मस्त लाइट आ रहा है, देखिए वाह। जामुन भी फर ले लिया, देखिए ये देखिए छोटा छोटा फर ले लिया है ना, बहुत सारा है, देखिए बहुत बड़ा है। इसी के नीचे शकुंतला रहती है, उसका बच्चा छोटा सा,
और ये छोटा सा एक लंबाई बढ़ाने के लिए काम आता है। गाइस देखिए यहाँ कितना व्यू खतरनाक आ रहा है, देखिए वो देखिए वो रहा एक भट्टा। और गाइस आपको मैं जामुन देखिए एकदम पास से दिखाता हूँ, देखिए वाह। अरे ये तो खा रहा है भाई, खाया नहीं क्या तुम तुमने खाना नहीं खाया क्या बोलो। देखो देखो या गुदगुदी लग रही, गुदगुदी तेरी झलक वाओ। काट रहा है तुम, ले चल नमकहा नमकहा लग रहा है इसका इसका नमकहा। ये लौकी है, ये चावल है और ये दाल अरहर का दाल और इसमें छौका भी गया हुआ है। वाह यार स्वादिष्ट है। ये देखिए लौकी थोड़ा काट काट के डाला हुआ है और ये रहा लहसुन, स्वादिष्ट खाना है। कैसा लग रहा हूँ मैं चुंडी बांध के गया इस? तो गाइस मैं जा रहा हूँ, बहुत मज़ा आएगा गाइस। आनी गजब इतना तेज आनी आ गई यार। चल जल्दी करो, एक जगह रख दो ना। एक हाथ से एक ही उठाओ, एक ही उठाओ। बस 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 यहाँ तक बस बस। तो दोस्तों मेरा ये निवेदन है कि आप लोग दारू या कोई अन्य शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। और हाँ बाइक चलाते वक्त हेलमेट ज़रूर लगाएं और आप अपने परिवार और अपने को सुरक्षित रखें ताकि अपना देश भी सुरक्षित रहे। तो गाइस आई होप कि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो करिएगा लाइक और करिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुँचे। और वीडियो पर तो लाइक कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़ भाई, आप लोग लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, अगले वीडियो मिलते हैं, बाय, सी यू।